आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एमपी का क्लास 5वीं से 8वीं तक का रिजल्ट आने वाला है। फाइनल डेट जारी भी हो गया है और किस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा और कहां से आपकी बार आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको लाइव में दिखाने वाला हूं। तो दो तरीके से आप रिजल्ट को अपने डाउनलोड कर पाओगे और देख पाओगे, मैं आपको पूरा कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो आप चैनल पर पहली बार तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से आप अपना रिजल्ट को देख पाएंगे और डेट क्या रहेगी। तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, आने वाले आपको मिलेगा मेन्यू का ऑप्शन। आपको मेन्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिलेगा लेटेस्ट रिजल्ट, आपको इस ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना। लेटेस्ट रिजल्ट पे क्लिक करें, इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा, देख सकते हैं एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं क्लास का रिजल्ट 2024। आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। पहले यहाँ पर तरीका आपको बताने वाला हूँ कि पहले तरीके से आप कैसे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर मिलेगा कुछ पॉपअप, आपको कट कर देना है। अब इस प्रकार से आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको देखने मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर आपको अप्रैल 2024 यहाँ पर आपका रिजल्ट का डेट और इसी प्रकार से आपको 8वीं का रिजल्ट का डेट आपको अप्रैल 2024। अब इसका फाइनल डेट भी आपको दिखाने वाला हूँ और उसके बाद स्क्रॉल करेंगे आप इस प्रकार से नीचे आ जाएंगे। नीचे यहाँ पर दोस्तों आएंगे तो आपको यहाँ पर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा, चेक करने का ऑप्शन मिल जाएगा अपना रिजल्ट को। यहाँ पर देखते हैं 8वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको ये लिंक एक्टिव हो जाएगी जब आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से आप 5वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको 5वीं का यहाँ पर क्लिक हेयर ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो पुराना अभी शो हो रहा है 2022 और 23 का रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि अभी घोषित नहीं किया गया और लिंक एक्टिव नहीं आई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा 5वीं और 8वीं का, यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो 2024 आपको लिखा आएगा और यहाँ पर आपको लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो 8वीं को लिंक पे और 5वीं के लिंक पे दोस्तों सेम इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपनी समग्र आईडी डाल सकते हैं या रोल नंबर, दोनों में से किसी एक को डाल के यहाँ पर जो कैप्चर दिख रहा है कैप्चर को के आपको 100 ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों चलिए दूसरा तरीके से आप रिजल्ट कैसे देख सकते हैं और आपको डेट क्या है। इस रिजल्ट को चेक करने के लिए आपको किसी ब्राउजर पे आ जाना, आपको सर्च करना है RSKMP.in। सर्च करने वाले इस प्रकार से ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने मिल जाएगी यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र की, आपको इस वेबसाइट पे ही क्लिक कर देना है। क्लिक करने वाले इस प्रकार से आपको देखने मिल जाएगा, यहाँ पर आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आपको डालना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट पे ही सिलेक्ट रहना है क्योंकि गवर्नमेंट का स्कूल का आपका रिजल्ट है तो आपको गवर्नमेंट पे यहाँ पर सिलेक्ट रहने देना है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा जो कैप्चर बॉक्स में कैप्चर डालना है और आपको लॉग इन कर देना है, आपका यहाँ पर इंटरफेस खुल जाएगा और यहीं से आप अपना रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। यहाँ पर दूसरा तरीका है दोस्तों, और आपका डेट किस दिन आपका रिजल्ट आने वाला है और टाइम क्या रहेगा। रिजल्ट की डेट आने वाली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल अपडेट भी आ गया है रिजल्ट डेट, और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा 2nd week of April 2024 यानी दूसरे सप्ताह में आपका रिजल्ट आने वाला है। 14 या 15 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 12 बजे के बाद शायद आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और लिंक भी एक्टिव हो जाएगी। जहाँ से मैंने बताया है वहाँ से लिंक एक्टिव हो जाएगी, वहीं से आप डाउनलोड भी कर पाओगे। दोस्तों ये रियली आपको कन्फर्म बता रहा हूँ क्योंकि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से पहले आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, क्योंकि 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो 25 या 30 तारीख बीच में आ जाएगा, उससे पहले आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो आई होप दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको पसंद है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक पे, बाय।